Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the respiration in plant and animals. Today, I discuss about the human respiration and breathing mechanisms. So guys, let's start our topic now. Human respiratory system consists of a pair of lung and a series of air passes leading to the lungs. The entire respiratory tract consists of a nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles. So guys, जो पूरा human respiratory system जो होता है, entire human respiratory जो system होता है, वो nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles से मिलकर बना होता है. और उसमें जो main जो organ होता है, वो होता है lungs. So guys, आज हम लोग जितनी भी mechanism involved होती है breathing में, एज़ वेल एज़ जो रिस्पायरेशन में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन. और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगा. एयर इंटर्स द नोज थ्रू द नोस्टिल्स. यहाँ देखिए, ये क्या नोसल कैविटी है, यहीं से एयर इंटर करती है. वेन एयर पासिस थ्रू द नोज इट इज़ वॉर्म मॉइशन एंड फिल्टर. तो जो एयर होती है उसको वार्म करके, मॉइस्चर करके उसको फिल्टर कर दिया जाता है. एंड द हेयर प्रेजेंट इन द नोज, जो भी आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं नोज में, वो फिल्टर आउट कर देते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, उनको वो फिल्टर कर देते हैं जो आपकी इनकमिंग एयर होती है उससे. बिहाइंड द नोज लाइज द फेरिंग्स. देयर इज टू पैसेस, वन हेयर वन फॉर द फूड एंड द अदर फॉर एयर. तो बेटा होता क्या है कि जो आपका माउथ होता है, माउथ आप देख रहे हो, माउथ भी इसी से ज्वाइंट है फेरिंग से, और नोसल कैविटी भी यहीं से ज्वाइंट है. तो एक जो होता है वो आपका कह सकते हैं फूड के लिए ओपन होता है, और एक जो आता है आपके एयर के पास होने के लिए वो यूज़ होता है बेटे. सो गाइस, द एयर पासिस फ्रॉम द फेरिंग्स टू द लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स. जो बेटा ये जो लैरिंग्स है, इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बेटे. तो जब ये पास करती है इसके थ्रू, तो बाकी कहाँ जाएगी, बाकी आप जानते हो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज यानी ट्रैकिया से होती हुई धीरे धीरे ये लंग्स तक पहुंच जाती है. लंग्स में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वहां से गैसेस एक्सचेंज होती है गाइस. तो द ओपनिंग लीडिंग टू द लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ग्लॉटिस बोलते हैं. मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है. फ्रॉम द लैरिंग्स द एयर गोज टू द ट्रैकिया और द विंडपाइप. सो गाइस, आपको पता चल गया है, फ्रॉम द लैरिंग द एयर गोज टू द ट्रैकिया और द विंडपाइप. द ट्रैकिया इज अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो ट्रैकिया जो आपका ही होता है, ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. साथ ही साथ आप इसको ये भी देखते हो कि इट इज गार्डेड बाय 16 टू 20 सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से घिरा हुआ रहता है, कवर्ड रहता है, विच प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. ताकि जो ये ट्रैकिया है, ये कोलैप्स करने में, आपस में जुड़ जाने से बच सके. इसीलिए इसमें कार्टिलेज की जो बहुत सारी रिंग्स लगी होती हैं, 16 से 20 तक हो सकती हैं इनकी संख्या, और ये सीट शेप में होती हैं. द ट्रैकिया डिवाइडेड इन टू टू ट्यूब्स. जो ट्रैकिया होती है वो बाद में जाके दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में. ये जो ट्रैकिया है, ये बाद में दो ट्यूब में डिवाइड हो जा रही है. उनको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रॉन्चीज. क्या बोलते हैं उनको, ब्रॉन्ची. ईट ब्रॉन्चीज डिवाइडेड एंड ब्रॉन्चेज आउट इन द फॉर्म ऑफ थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. तो आप देख रहे हो ये और पतली हो जाएगी आगे जाके, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलेंगे. जैसे आप ये देखिएगा डायग्राम में, बहुत केयरफुली देखिएगा, ये आपका बेटा ट्रैकिया वाला पार्ट है. ट्रैकिया आके दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंची बोलते हैं. और ब्रोंची जो होती है आगे चल के और ये ब्रांचेस इसमें हो जाती हैं, जिनको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, है ना. क्या बोलते हैं बेटे उनको, हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. द ब्रोंकियोल्स इंटर द लंग्स एंड डिवाइडेड फरदर इनटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट. तो ये जो होते हैं अब बाद में चल के और इनमें ब्रांचेस हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं. दीज ओपन इनटू एक्सट्रीमली थिन वॉल. तो ये कहाँ ओपन होती है, बिल्कुल थिन वॉल में ओपन होते हैं, एक्सट्रीमली थिन वॉल में होती हैं. ग्रैप शेप्ड एंड एयर सैक कॉल्ड एल्वियोलाई. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई.
एल्वोलाई का भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। एल्वोलाई का जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं आपको क्लियर, जैसा कि आप देखिए ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, ये देखिए एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो ये ब्रैंकियोल्स है, ब्रैंकियोल्स बाद में फर्दर उसमें ब्रांचेस आ जाती हैं, ये आपके एल्वोलाई एल्वोलर डक्ट है, एल्वोलर डक्ट में आपकी जो ये दिख रही है ये एल्वोलाई सैक है, एल्वोलर सैक, और इसमें एल्वोलाई होती है और इसमें ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं पूरी तरीके से इसको कवर करती हैं, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये लंग्स में प्रेजेंट होती हैं बेटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन मिनट में थोड़ा सा इसको कवर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ईच एल्वुलर इज कवर्ड बाय अ वेब ऑफ ब्लड कैपिलरीज, वेब माने एक तरह से नेटवर्क होता है जो पूरे एल्वुलाई सैक में जो होता है या एल्वुलस में जो होता है वो फैला हुआ रहता है, वहीं से जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, है ना। चलिए टर्न कर लेता हूँ इसको, ठीक। द लंग्स आर अपीयर ऑफ स्पंजी ऑर्गन लाइंग इन द चेस्ट कैविटी फॉर्मिंग बाय द रिब्स, द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड द बॉडी टेक प्लेस इन द कैपिलरीज कवर्ड एल्वोलाई इन साइड द लंग्स। तो जैसा मैंने आपको गैस बताया था जो एल्वोलाई सैक होता है वो ब्लड कैपिलरी से घिरा हुआ रहता है, एक्चुअली में ये लंग्स में प्रेजेंट होता है और यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, हैंस द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द एल्वोलाई गोज इन टू द ब्लड, जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में वो बाद जाके ब्लड में मिल जाती है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड गोज आउट, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है वो वापस आ जाती है और वो आपके कह सकते हैं एक्सपीरेशंस के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। सो गाइस, तो आपको ये बात समझ में आई कि ह्यूमन में एक्चुअली में जो कह सकते हैं रिस्पायरेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो नोज़ के थ्रू क्या होता है बेटे, नोज़ के थ्रू एयर इंटर करती है, वहाँ पर आपकी नोसल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स लैरिंग्स एंड ट्रैकिया से होते हुए वो आपके लंग्स में पहुँच जाती हैं, जहाँ लंग्स में एल्वोलर सैक प्रेजेंट होते हैं, एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, वहीं पर आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि वहीं पर आपकी ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो एक तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। गैसेस एक्सचेंज होने का सिंपल सा जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस। अगर ब्लड में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो अगर कम होता है तो जो एयर का जो प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है, और जितना भी प्रेशर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होता है और एयर में कम होता है, इस वजह से जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है वो गोज आउट हो जाती है बॉडी से थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सो गाइस, इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, किस तरह से ये मैकेनिज्म होती है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये भी जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है बेटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग की वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, सो गाइस मैं आपको बता दूँ, देयर आर टू मेन स्टेप्स इन ब्रीदिंग, दो ही मेन स्टेप्स होते हैं ब्रीदिंग की, फर्स्ट स्टेप होता है इंस्पिरेशंस एंड सेकंड होता है एक्सपिरेशंस। तो इंस्पिरेशंस क्या होता है बेटा, इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, जब भी आप सांस अंदर लेते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है इंस्पिरेशंस, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं वो प्रोसेस कहलाता है एक्सपिरेशंस। तो इंस्पिरेशंस में क्या होता है, बाय विच एयर इज ब्रॉट इन टू द, है ना, लंग्स, यहाँ पर क्या होती है लंग्स में एयर पहुँचती है, और एक्सपिरेशन में क्या होता है लंग्स से एयर जो होती है वो बाहर निकलती है। तो एक्सपिरेशंस आपको समझ में आ गया, इंस्पिरेशंस, अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। इंस्पिरेशंस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन बाय विच एयर इज ब्रॉट इन टू द लंग्स, इंस्पिरेशंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, और कह सकता हूँ थ्री स्टेप्स में इनको कंप्लीट करा जा सकता है। पहला स्टेप्स क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल उसको समझना है आपको, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो, बट आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। द मसल्स अटैच टू द रिब्स ऑन द देयर आउटर साइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस केस द रिब टू बी पुल्ड आउट
एक्सपेंडिंग द चेस्ट कैविटी। तो बेटा जब आप सांस लेते हो, जब इन कह सकते हैं इंस्पिरेशंस का प्रोसेस होता है, तो जो आपकी रिब्स होती है वो अंदर की तरफ दबती है और आपका जो चेस्ट होता है वो स्वेल अप होने लगता है एंड बोल सकते हैं एक्सपेंड करने लगता है। द मसल्स वॉल बिटवीन द चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड डायफ्राम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम बेटे ये होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये डायफ्राम है। ये आपको क्लियर हो गया, ये डायफ्राम है, ये आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये डायग्राम आ जाता है और इसमें कुछ मिसिंग वर्ड होते हैं वो आपको फिलअप करने होते हैं, तो इस तरह से आप उसको फिल भी कर सकते हो। द एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब एब्डोमिनल मसल जो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम इन द चेस्ट कैविटी, दिस सक इन एयर इन टू द लंग्स। इस तरह से वो क्या कर लेती है, लंग्स में एयर को सक कर लेती है एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, और वो उसको क्या कर देती है, एल्वियोलाई को एक्सपेंड कर देती है, उसमें फिल कर देती है, जो गैसेस होती हैं उसमें से फिर ऑक्सीजन जो होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका, ये जो मैकेनिज्म जो मैंने बताया, ये प्रोसेस आपका है इंस्पिरेशंस का। सो गाइस, एक्सपिरेशंस क्या होता है, आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स द एयर हैज टू बी एक्सपेल्ड, एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपिरेशंस। जब भी आपका से लंग्स से जब एयर बाहर को निकलती है तो उस प्रोसेस को एक्सपिरेशंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मसल्स अटैच टू द रिब ऑन द इनर साइड कॉन्ट्रैक्ट चेस्ट कैविटी विच इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स। द एयर इन द लंग्स इज पुश्ड आउट एंड इट पासेस थ्रू द नोज यहां से बेटा वो वापस चला जाएगा, ठीक है, गैसेस वापस निकल जाती है। इसमें गैसेस में जो क्वांटिटी होती है कह सकते हैं CO2 की, वो ज्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो गाइज, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, अगर आपको आ गई हो तो बहुत अच्छी चीजें हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पूरी मैकेनिज्म भी बता दी। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।